अच्छा लग रहा है। I love those potatoes. मैं लूंगी थोड़े बहुत। ब्रेकफास्ट मेरे आया है एवोकाडो टोस्ट। ये इनकी एक शॉप भी है Starbucks over here, बट इसमें हम बाद में माथा टेकेंगे। कल से हमारा लड़का पूछे जा रहा है, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं वो भी इस व्यू के साथ। और यूएस फॉल के पीछे जो सिटी नजर आ रही है वो सारी, बिकॉज यूजुअली हमारे लिए कम होते हैं बाहर आके क्योंकि हम लोग वेजिटेरियंस हैं। इस दुनिया में आए हैं तो काम के और प्यारे। जस्ट इमेजिन हम कनाडा का ट्रिप करके आए, सुबह कनाडा से चले थे, हमने लॉन्ड्री भी लगाई है और कल दो और। वेलकम टू न्यूयॉर्क द एम्पायर स्टेट। गुड मॉर्निंग अबीर, गुड मॉर्निंग अबीर, गुड मॉर्निंग अबीर। मैं वेलकम बैक टू माई यूट्यूब व्लॉग अबीर। अबीर देखो इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। आई एम सेइंग वेलकम बैक टू माई यूट्यूब व्लॉग। स्वीट, आराम से आरएन लेटा हुआ है बेटा वहां पे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन फ्रॉम कनाडा नाइग्रा फॉल्स। इस साइड ये देखो जरा, मैं व्यू दिखाती हूँ मॉर्निंग का। कनाडा साइड का फॉल है, मैंने नाइट में भी दिखाया था, ये मैंने दूसरे ब्लॉग में भी दिखाया था अपने इससे पहले वाले ब्लॉग में। यू गाइस कैन सी सच ह्यूज एंड इट्स लाइक अनबिलीवेबल। कुलदीप हो गया नहा लिया? ऑल सेट। इसकी बॉटल स्टरलाइज हो गई। yes. ये पीछे बर्तन वो लोग ले जाएंगे ना, अब क्या रह गया तुम्हारा फैशन करने में? फैशन नहीं, ब्रेकफास्ट की लोकेशन देख रहा हूं। इस होटल में मल्टीपल टावर है। मल्टीपल टावर्स है, जैसे हम नॉर्थ टावर में हैं, साउथ टावर है, मिड टावर है। ओके, तो मतलब वो किसी एक टावर में होगा, ऐसा नहीं कि सेपरेट है, नॉर्थ का अलग है साउथ का अलग है। आई थिंक साउथ में है, 33rd फ्लोर। एंड इट वुड बी लाइक ब्रेकफास्ट विद द व्यू, दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। तभी तुम शायद हमें लेके जा रहे हो इतनी सुबह उठा के। इतनी सुबह तो नहीं गाइस, क्या हो चुके हैं 9 बज चुके हैं, बट हम छुट्टियों पे इतनी जल्दी ना जाते ब्रेकफास्ट करने के लिए। कितनी ब्यूटीफुल सुबह हुई है, यू गाइस कैन सी, इससे बेटर और क्या हो सकता है? सही कहा मैंने मिस्टर सिंह? हाँ बिल्कुल, इससे बेटर और क्या होता है। आज तो मॉल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, दुनिया की चोटी पे सर पे चढ़े हुए। कुलदीप मैं तुम्हारे सर पे भी चढ़ती हूँ, दुनिया की चोटी पे भी चढ़ी हुई हूँ, बादलों के बीच में। बादल ऐसा लग रहा है हमारे लेवल पर ही है। सीरियसली इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं वो भी इस व्यू के साथ। बाहर तो इतनी ठंड हो रखी होगी ना इस समय, बाय गॉड माइनस में टेम्परेचर है, तो बच्चों के साथ तो पता नहीं हम नीचे कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरएन की फर्स्ट विंटर्स है और अभी को की भी थोड़ी तबीयत इस ट्रिप में थोड़ी ऑन एंड ऑफ खराब सी रही है। तो यहाँ से मैं दिखाती हूँ, मैंने रात में नाइट में भी दिखाया था, जो वो वाला नज़र आ रहा है ना आपको, दैट इज़ यूएस फॉल्स। और यूएस फॉल के पीछे जो सिटी नज़र आ रही है वो सारी यूएस है, इट्स अमेरिका, और वो यूएस का फॉल है। और इफ वी लुक हेयर हेयर, यस हेयर, ये वाला है कनाडा का फॉल। कैसे पानी एकदम ऐसे गिर रहा है, जब मम्मी लास्ट टाइम आई थी ना, मम्मी देख के एकदम होगी बोलती इतना पानी, मैंने कहा हाँ भाई बहुत पानी। फिर मिलते हैं आप लोगों से, स्टे ट्यून फॉर मोर फन। कुलदीप वो ब्रिज सामने क्या है? That bridge is immigration वाला? हाँ, ये वो सामने वो जो लाल लाल लाइट नहीं जल रही, वो काउंटर ही तो है इमिग्रेशन के। ओह, मैं इसमें भी ज़ूम करके दिखा देती हूँ, ये जो रेड रेड लाइट्स जल रही है ना गाइस, ये है इमिग्रेशन के काउंटर्स। ब्रिज क्रॉस करके हम जब जाएंगे दूसरी साइड अमेरिका की तरफ, दीज आर इमिग्रेशन काउंटर्स, जो ये रेड कलर की लाइट्स ब्लिंग हो रही हैं। और ये ब्रिज है जिसे आप यूएस और कनाडा का बॉर्डर, इसको हम क्रॉस करके जाएंगे। जब हम आए थे तो हम दूसरे बॉर्डर से आए थे, दूसरी तरफ से आए थे, कनाडा वाला दूसरा बॉर्डर। रेनबो ब्रिज है इसका नाम, रेनबो ब्रिज है। ओह आई सी, रेनबो ब्रिज क्रॉस, पर रेनबो लग नहीं रहा है इसमें, रेनबो कलर्स नहीं है। तो ऐसे लग रहा है कुलदीप इतनी ठंड है कि थोड़ी सी ये नदी भी थोड़ी जमी जमी सी लग रही है मुझे तो, है ना? नहीं पता नहीं, मुझे तो सब पानी ऐसे स्टैग्नेंट सा लग रहा है, बट इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। सो चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। What should you press? Now you tell me. Press L. L. Abir, can you believe you? We are on 50th floor. Press it fast. L. And we'll go all the way down. Oh, I just got from the hotel. Yeah. So guys, हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए सबसे नीचे। कुलदीप, I think इससे नीचे कोई और फ्लोर नहीं है, है ना? यहाँ पे हूँ मैं, ये इनकी एक शॉप भी है अगर कुछ और किसी को परचेज करना हो तो खाने के लिए भी है। यहाँ पे आ गया रिजा स्टारबक्स ओवर हेयर, बट इसमें हम बाद में माथा टेकेंगे, पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में हमारे लिए क्या ऑप्शन है, बिकॉज यूजुअली हमारे लिए कम होते हैं बाहर आके क्योंकि हम लोग वेजिटेरियंस हैं, तो कुछ तो मिलेगा।
नीचे जाना है। टावर में सिर्फ 33 फ्लोर है तो सबसे टॉप फ्लोर है। वैसे इट्स अ वीक डे कुलदीप, भीड़ तो नहीं होनी चाहिए ना, बट जब भी जब आप कुलदीप और भाई कहते हैं ना कि भीड़ यहाँ पे कम होगी किसी भी जगह पे, उसी दिन वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है। तो कल से हमारा लड़का पूछे जा रहा है कि ये न्यूयॉर्क सिटी है कैनेडा है, सब तक कन्फ्यूजन है। और बार बार पूछा न्यूयॉर्क सिटी कितनी फार है, अभी न्यूयॉर्क सिटी इज़ रियली फार फ्रॉम कैनेडा। यानी गुड न्यूयॉर्क इस व्यू की मैं बात कर रही थी, ये फॉल की। और ये है हमारी ब्रेकफास्ट टेबल जहाँ पे हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। इस व्यू को देखते देखते एंजॉय करते करते मिस्टर सिंह जो मेन्यू की तरफ देख रहे हो, यहाँ अभी जो वेट कर रहा है कि हम इसे कहेंगे छू आईपैड ऑन कर ले, अब आई आईपैड ऑन कर ले अपना। देखो ये कैसे लगा है कुलदीप, मैंने ना वैसे ब्लॉग में बोला आईपैड ऑन कर ले भाई आईपैड, एकदम तैयार हो गया आईपैड। अभी वो फाइनल परमिशन नहीं थी तो मैं ब्लॉग बना रही थी बेटा। तुम्हारे पीछे से कुलदीप ये व्यू इतना अच्छा आ रहा है, इसलिए धुआं धुआं जो उड़ रहा है ना गाइस। कुलदीप व्हाट इज दिस, इज धुआं, इज व्हाट स्मोक? हां पानी का नहीं, फिर ये तो पानी का, जैसे जब पानी तुम जोर से डालते हो तो वो नहीं निकलती है उसकी ड्रिजल से, बट इट लुक्स लाइक देयर इज अ धुआं दिखने में, दिखने में लग रहा है बट वो धुआं नहीं है ना। Okay. वो पानी की, वो इतना पानी इतनी तेजी से और इतना सारा पानी नीचे गिर रहा है कि वो उसके वाटर ड्रॉपलेट से ऊपर आए। तो गाइज हमारी हॉट हॉट कैपेचिनो आ गई है, इसको हम कोल्ड बिल्कुल नहीं होने देंगे क्योंकि हमें और हमारी डाल दो सुसरी में चीनी आज सुसरी तो हमारी कैपेचिनो में चीनी डाल दे। ये देखो आ गए ये अपनी गुजरी लेके हैं। दिस इज अबीज वाटर, अबीर ने अपना पानी पता कैसे ऑर्डर किया है। हम लोग बोल रहे थे cappuccino, two cappuccinos for us, for both of us. Abir kehta tha, and water for me. Abir ki tone dekhi thi. First time bola isne jab main aap independent. Aur wo bhi tone dekhi thi, when water for me. Kya? It's a very big water fountain. It's a very big water fountain. Yeah, it's coming to the sky. It's coming to the sky. Abir, that's Niagara Falls. वो फाउंटेन का भी ना बाप का भी दादा परदादा है। दैट्स द होटल वेयर वी यूज्ड टू लिव, वो सामने दिख रहा है ऑरेंज ग्रे वाइट। हां ऑरेंज ग्रे वाइट वही तो है हाइट। अच्छा वहां गाइस वहां पे हम लोग तब रुकते थे जब हम अमेरिका के साइड से नाइग्रा फॉल्स देखने आते थे, तब हम इधर रुकते थे। बट कितना वैसा है ये तो, वैसे भी जैसे हम लोगों के लिए तो, अब अगर आपको कनाडा नहीं भी आना तो आप मतलब वहीं पे रुको और गाड़ी से ड्राइव करके यहां आ जाओ, देख के अपना वापस चले जाओ। एग्री एग्री। कॉफ़ी तो ठंडी हो जाएगी, थोड़ी कॉफ़ी थी भी ऐसी थोड़ा मतलब ठंडी ठंडी थी, इतनी एक्सपेंसिव भी थी। और $15 में तो ऐसी $15 में तो जगना भर दे पिक्चर हाँ पिक्चर भी लेगा। देखो इन्होंने दिया इतना चीज़ छोटी का मांगा, कोई बात नहीं है, ये व्यू इतना अच्छा है, कोई बात नहीं है। $15 की व्यू के पैसे हैं बस यहाँ पर, $15 की ठंडी कॉफ़ी पी के काम चलाना पड़ता है हमें इस व्यू के लिए। हमारा ब्रेकफास्ट आएगा वो भी, आई होप कि वो खुद ही ठंडा ना, इनका भरोसा नहीं, ठंडा तो नहीं आएगा, फ्रेश बना के लेकर आए। ये लोग ठंडा खाना थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नहीं नहीं हमने ठंडी चीज़ें नहीं मंगाई ना, ठंडी चीज़ें भी हैं बट हमने ठंडी चीज़ें मंगाई नहीं। हम की क्या बात कर रहे हो, ये भी गर्म था मंगाया था ला, थोड़ी कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ी धूप भी निकल रही है, वो है ना बादल से निकल रहा है सूरज की। वो देखो मेड ऑफ द मिस्ट भी चालू हो गई है वहाँ पर। अच्छा जो भूल जाती है हाँ वो मेड ऑफ द मिस्ट है, लाल रंग के जो जंपर पहन के लोग खड़े हुए हैं, लाल शायद यूएस का होता है। कुलदीप ब्रेकफास्ट तो अच्छा लग रहा है, यार यहाँ के अभी फैंसी रेस्टोरेंट्स में ये तो है ही, दिखेगा तो अच्छा। We figured it out. Yeah? You didn't finish the stroller? No. He doesn't like to be in the stroller. What? Yeah, he would just get up. I mean, he can sit there, but... No. Yeah, because I started talking, so... Oh, okay. So, Hoka आ गया है ब्रेकफास्ट, मेरे आया है avocado toast. जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है कुलदीप, एकदम खिला के दे रखा है जैसे वो क्या कहते हैं वो जो ग्रीन हाउस की तरह होता है ना, सारे पेड़ पौधे लगा के। ये चाहिए चलो, ये टमाटर यहाँ से उतारा,
कोई कुछ नहीं किया, अपना लगा के दे दिया। And that's because it's breakfast, हाँ बेटा। I don't eat थोड़े बहुत। This is great. This is muffin. This is okay. That this is my food. देखा तुमने कितना शैतान है। This is your food. हमने ब्रेड जाम मंगाया तुम्हारे लिए। तो मैं देखो जी, हमारा बच्चा तो कर रहा है नौटंकी ब्रेड जाम खाने में, इन बच्चों का पता नहीं क्या ही होगा। तो हमारी प्लेट देखो, पत्तियां तक खा गए। मेरी दो पत्ती बची हुई है। I will have these दो पत्तियां। एक डॉलर की पत्ती है, मुझे देना, मैं खाऊंगा। ये एक डॉलर की है। जितने डॉलर के सामान आए हैं उस हिसाब से तो एक डॉलर की है। कोई बात नहीं कुलदीप, मैं फिनिश कर दूंगी। अब तुमने मुझे इसका बता दिया, इसकी कीमत मैं जान गई हूँ। और हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक कराई हैं जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाली हूँ। यू गाइस गो चेक आउट माय इंस्टाग्राम हैंडल और मिलते हैं जल्दी नए अपडेट्स के साथ। गाइस इसी के साथ कर रहे हैं हम लोग इस रूम से रफा दफा, क्या कहेंगे तू दीपू से, रुक सा, इस रूम से ले रहे हैं हम विदा। विदा, हाँ देखो कैसे वर्ड्स को हो गया बेड़ा गर्क। इस रूम से हम अपने आप विदाई कर रहे हैं। अब हम अपना सामान हम लोगों ने सारा पैक कर लिया है, हम लोग निकलने वाले हैं अब बैक टू कनेक्टिकट, बैक टू होम। और हम सब अपने घर को बहुत याद कर रहे हैं। तो अभी हम पैकिंग हो गई है, सामान नीचे लेके जा रहे हैं। इस फाइनल व्यू को मैं कह रही हूँ बाय बाय, नेक्स्ट टाइम जल्दी दोबारा आएंगे। क्योंकि इस बार आएंगे थोड़े से बच्चे और बड़े हो जाए, इस बार थोड़ा सा परेशान किया इन्होंने, बट ठीक है, मुझे फाइन इतना बुरा भी नहीं ना, वी डोंट ट्रिप घूमने के लिए कभी। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने ट्रिप्स बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बट यस बच्चों की वजह से थोड़ा सा अंदर बाहर टेम्परेचर का रहता है। सी देख लो भाई सब दोबारा से एक बार, और व्लॉग में फिर दोबारा जाके देख लेना। और सब लोगों को शेयर कर देना, एक से दूसरे से तीसरे के, ऐसे अपना ना यू नो प्यार की गंगा बहाते चलो, और लाइक और सब्सक्राइब के बटन दबाते चलो। अच्छा कम्फर्टेबल इसने पहन लिया ना ये सैंडल्स, हाँ ट्रैवल में तो ठीक है, वो शूज निकाल दिया। मैं अभी जाके अपने शूज निकालूंगी, गाड़ी में तो निकाल के यार ठीक लगता है। कैप्टन अबीर, वैसे तेरा नाम क्या है? कैप्टन अच्छा लगता है। कैप्टन अमेरिका यूएस जाने के लिए, पहले हमने क्रॉस किया था यूएस से कैनेडा आते टाइम। सो अब हम एग्जिट मार रहे हैं कैनेडा से, घुस रहे हैं यूएस में। सो ये है कैनेडा यूएस का बॉर्डर अगेन दोबारा से, होगी चेकिंग, थोड़ी पूछताछ, पेपर वर्क चेक होंगे, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे अमेरिका में। कुलदीप कितना टाइम लगना चाहिए यहाँ पे? उतने टाइम लगेगा 5 मिनट। मुझे तो कमाल की बात ये लगती है कुलदीप, देखिए वो 5 मिनट में बताओ हो जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सारे पेपर वर्क चेक कर लेते हैं। सीरियसली गाइस कोई स्क्रूटनी नहीं होती ज़्यादा, पता नहीं अब होती होगी उनके लेवल पे, या तो मतलब ये भी ट्रेन लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। हमारे हम सब लोगों की शक्लें देखते हैं, पेपर वर्क देखते हैं, जस्ट लिटरली 5 मिनट्स फ्रॉम लाइक सब कुछ डन एंड स्मूथली चले जाओ। ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा स्मूथ इमिग्रेशन होता है, मैंने कहीं नहीं देखा आज तक, मैंने कभी रोड से ट्रैवल भी नहीं किया एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो मे बी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बट थैंक यू, बड़े भैया ने दूध फिनिश करवा दिया, अब मेरा बेटा खुश शायद पैसिफायर चाहिए। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, बताती हूँ क्या अपडेट है, इस बार इन्होंने हमें 5 मिनट में जाने दिया या नहीं जाने दिया। जैसे आप सॉरी अपूर्या, या वेदर हैज नॉट बीन ऑन आवर साइड दिस वीकेंड। मैं सो गाइस हम लोगों का इमिग्रेशन हो गया डन। यप
अब हम लोग 5 मिनट भी, या तो अब 5 क्या, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे जल्दी. इट वॉज वेरी स्मूथ, सो इट्स डन एंड नाउ अब हमने लग लिया अमेरिका की धरती पे कदम. हाँ बिल्कुल, वेलकम टू न्यूयॉर्क आ गया. वो देखो एम्पायर स्टेट. ओह यस, लुक वेलकम टू न्यूयॉर्क द एम्पायर स्टेट. तो हम लोग आ गए हैं न्यूयॉर्क में. यू गाइस कैन सी अपने देश. मतलब ऐसी फीलिंग आई. हाँ मजेदार. हाँ मतलब जहाँ रहने लगते हो देखो थोड़ा तो आपको अटैचमेंट हो जाता है वहाँ से. हाँ. हाँ, ये अपना होटल वो हायत प्लेस जहाँ हम रुकते हैं यूजुअली जब हम यूएस में, जब हम यूएस में आते हैं कनाडा, मतलब ये नाइग्रा फॉल्स देखने के लिए, तो हम इधर सामने होटल है हायत प्लेस, हम लोग वहाँ रुकते हैं. जो ये बिल्डिंग है ना, ये जो शटर डाउन दिख रहा है उसके पीछे एक बिल्डिंग है हायत प्लेस. टंटड़ा, आई एम बैक क्या एंट्री मानी. टंटड़ा, आई एम बैक. यस, क्या एंट्री थी, है ना. वाह वाह वाह. तो गाइज, अपडेट ये है, यहाँ मैं बैठी हूँ अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ. बड़े भाई अपना फर्ज निभा रहे हैं, छोटे बच्चे को दूध पिला रहे हैं छोटे भाई को. तो ये सब चल रहा है और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ अपने बच्चों की. वेयर इज डैडी? डैडी इज इन द फ्रंट. थैंक गॉड इसने अपने आप को डैडी निकाली. तो कहता है कि आर्यन का डैडी मैं हूँ. हॉलीडे मग्स कितने अच्छे लगते हैं यार. मतलब ऐसा लगता है कि क्रिसमस वो होता ना, फाला ला 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 ला, एकदम यही मुझे हर साल जब भी इनके हॉलीडे मग्स आते हैं मुझे लगता है क्रिसमस आ गया यार, क्रिसमस आ गया. मैं तो मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल के साथ साथ मैं सोची, पहले मैं सोची थी पनीर भुर्जी बनाऊंगी कहते थे मैं पनीर वाली भुर्जी, लेकिन उसके लिए ना हमने फ्रीजर में से पनीर नहीं निकाला, तो मतलब मेरी गलती है. एक ढकना चाहिए ऊपर. तो एग भुर्जी बना सकते हैं, एग भुर्जी बना सकते हैं, एग्स पड़े हैं बहुत सारे. आई नो, कल आ जाएंगे, थोड़ी सी मिक्सर बना रहे. ओके हाँ, तो गाइस देखो ये काम करने पड़ते हैं सारे, इस इन कामों से आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग बाहर का खाना खा रहे हैं और हम लोगों को ना थोड़ा सा कि अपना अबीर को घर का खाना खिलाएं. तो गाइस कैन सी, मैंने तो अभी चेंज भी नहीं किया, मैं अभी ऊपर भी नहीं गई हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं किया है. जब मैंने आते साथ आर्यन को इसकी हाई चेयर में बिठाया, जबकि बैठने लायक अभी हुआ नहीं, बट फिर भी बिठा दिया. और बना रही हूँ मिक्स, और इसके बाद मैं करूँगी अनपैकिंग. तो वही बात है, इस दुनिया में आए हैं तो काम क्या और प्यारे क्या, नहीं तो ये दुनिया जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, मरने नहीं देगी, वॉट एवर. मतलब बॉटम लाइन इस, काम तो करना ही पड़ेगा चाहे आप कितनी ही. जस्ट इमेजिन हम कनाडा का ट्रिप करके आए, सुबह कनाडा से चले थे हम लोग और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. क्या, हेलो हेलो जी, वेलकम नहीं कर रही हूँ, ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, इसलिए वापस आई हूँ. बहुत थक गए हैं, खाना बनाया आप लोगों के सामने, वो मैंने दिखाया था, उसके बाद मैंने अनपैकिंग करी, सारे सूटकेसेस उनकी जगह पे लगाए. आई मीन अनपैकिंग करना मतलब अनपैकिंग नहीं, अभी भी शायद बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है. मैंने लॉन्ड्री भी लगाई है और कल 2 और लगेंगी, क्योंकि लॉन्ड्री के बेशुमार कपड़े हैं हमारे पास, बेशुमार कपड़े. ये बहुत सारी सफाइयाँ शफाइयाँ होने वाली कल और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं. अभी थक गया भाई बहुत. तो आप लोगों को मेरी ये कनाडा सीरीज अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना. और इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में पूरे जोशो, क्या कहते हैं, पूरे होशोबास नहीं देंगे, होशोबास में तो मैं अभी भी हूँ, पूरे हर्ष उल्लास के साथ, फुल एनर्जी के साथ.